तो हेलो दोस्तों, और इस बार का ब्रेक थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया ना। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि ये ब्रेक का एक लंबी जर्नी की प्लानिंग चल रही थी और इस प्लानिंग को हम लोगों ने देखा तो जाके छठवें या सातवें दिन को अपना शुरुआत किया। हम लोग निकले यहाँ से पुरी जाने के लिए, पर चूँकि पुरी के लिए डायरेक्ट गाड़ी नहीं बनती थी ट्रेन के अलावा, इसीलिए हम लोगों ने बस से सफ़र तय किया। ये बस की गर्मी हम लोगों को मिली पावर हाउस से अथक परिश्रम के बाद, वो भी ये बस की टिकट्स एसी में ही सही पर मिली। ट्रेन में रिजर्वेशन आखिरी दम तक मैंने काफ़ी तत्काल में प्रयास किया, जो कि मैंने बस टर्मिनल के बाहर में आप जो देख रहे हैं रायपुर में आके यहाँ लगभग एक घंटे सवा। तो ये है रायपुर का बस स्टॉप दोस्तों, देख लो न्यू बस स्टॉप है। इसका नाम क्या है मुझे भी याद नहीं है यार। ठीक है, मैं अभी निकला हूँ, अपना बस तो बहुत हॉल्ट ले गया लेगा और लंबा एक घंटा, उसके बाद ही शायद निकलना होगा इसका। फिलहाल अपन पानी बोतल लेने के लिए आ गए बाहर, ये दूसरी बार निकल रहा हूँ, बीच में मैं कुछ और लेने के लिए बाहर आया था। घंटे में पहुँचा है रायपुर से भी बाय डिफ़ॉल्ट जल्दी निकला गाड़ी, बट फिर भी 7:30 पौने 8 हो गया रायपुर क्रॉस करके निकलते निकलते, न्यू रायपुर 8 बज गया। और आगे की तरफ की कार्रवाई या जो गाड़ी का जो चलना जो हुआ, यहाँ पर शाम को काफ़ी ज़्यादा भीड़ वगैरह रहता है, इस कारण से उतनी जल्दी मुनासिब नहीं हो पाया निकलते हुए। एनीवेज जैसे तैसे हम लोग तेलीबांधा चौक से आगे बढ़े। रात 10 बजे या 11 बजे के बाद हम लोग एक ढाबे में रुका गाड़ी, हम लोगों ने अपना लंच डिनर वगैरह सब घर से करके ही निकले थे, डिनर पैक कर लिया था। और रास्ते के लिए कुछ पानी वगैरह चाय वगैरह के बिना हम लोग का वैसे भी सफ़र आगे नहीं हो पाता है, उसके लिए हम लोग उस ढाबे में रुके। तो ये सफ़र एक अच्छा तय हो रहा था ऐसे ही रास्तों में। नहीं जल रही, देख सकते हैं नहीं जल रही ये पर्दा। और ये देखिए मम्मी नीचे बैठी है, थोड़ी देर में ऊपर आ जाएगी, हम लोग खाना खाएंगे और फिर हम लोग सो जाएंगे और कल हम लोग पूरी पहुँचेंगे रात सुबह के 8 बजे या रात के 8 बजे, जो भी सुबह के 8 बजे, सॉरी 8 या 8:30। आप देख सकते हैं मुझे कितनी नींद आ रही है, बट टाइम नहीं हुआ, 7:30 बजे तो हम नहीं सो सकते। और हम ये रायपुर अभी माना कि यहाँ से क्रॉस होंगे। देखिए ये सस्पेंशन काम कर रहा है बस का, इतना मज़ा आ रहा है मेरे को। हम ये रायपुर अभी तेलीबांधा पहुँचेंगे, वहाँ से महासमुंद का रोड लेंगे, आई थिंक बाद नवा पारा भी आएगा। तो लेट्स कंटिन्यू पूरी यहाँ से समथिंग 12-15 12 किलोमीटर्स दूर है, 12.5, क्योंकि आई थिंक हमारे यहाँ 13 भी लग सकते हैं क्योंकि खाने का भी ब्रेक देंगे। तो देखते हैं कल हम पूरी पहुँच गए, कल एक्चुअली हम भुवनेश्वर पहले पहुँचेंगे, वहाँ से एक दिन स्टे करेंगे भुवनेश्वर में, इधर उधर घूमेंगे, फिर वहाँ से फिर हम पुरी के लिए निकलेंगे परसों, जो कि है 2 घंटे का जर्नी, और वो देखते हैं हम कैसे करते हैं। और 2 घंटे की जर्नी, फिर उसके बाद हम ये भी वहाँ भी जाएंगे, कहाँ पुरी में घूमेंगे 2 दिन, गोल्डन बीच, जगन्नाथ पुरी, बहुत मज़ा आएगा। तो लेट्स कंटिन्यू। ये देखिए वापस हो रहा है, लेट्स कंटिन्यू टुमारो। बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ गुड ड्रीम। तो ये अगले दिन की सुबह है दोस्तों, अंगुल बस स्टॉप मेन रोड में ही गाड़ी लगभग आधे घंटे रुकी रही और हमने चाय वगैरह लिया, शरीर को सीधा किया, क्योंकि एसी में एक ही स्लीपर और एक सिटिंग में हम तीनों एडजस्ट होके पूरी रात भर आगे पीछे पोजीशन बदलते रहे, कभी हम सोए कभी वो बैठे, कभी वो सोए कभी हम बैठे। और 5:30 बजने के बाद जब गाड़ी यहाँ से निकली तो हमको एकदम सुबह का उजाला देखने को मिला, पुराने आज से 10-11 साल पहले की स्मृतियाँ हमने
फिर से उनको याद किया और कुछ चीज़ें नई जो दिखी वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। रोड साइड में नारियल पानी बेच रहे थे, मछली वगैरह खरीदी बेची जा रही थी और लहलहाते हुए खेत वगैरह दिख रहे थे और भी काफ़ी सारे कुछ कुछ जगह दुर्गा मंडप भी रोड साइड में देखने मिले, बहुत कम हालांकि। और ऐसे ही करते करते गाड़ी 9:45 बजे कटक तक 9 बजे और फिर भुवनेश्वर 9:45 बजे तक गाड़ी पहुँचाई। तो फाइनली खुद को हम लोग आके पहुँचे भुवनेश्वर। भुवनेश्वर बस स्टॉप में एकदम ऑटो पड़ जाता है शहर से, बट आके रुक के थोड़ा सा इधर उधर सर्च आउट किए मोबाइल से, उसके नाम देख के डायरेक्शन देख रहे थे, इधर उधर फिगर आउट नहीं पा रहा था, थोड़ा डिस्टेंस भी ज़्यादा लगा था और ह्यूमिड वेदर तो है ही है, अपन अकेले हैं और लोग कर लेते हैं बट फैमिली के साथ चलना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता। ऑटो करते अगले पल पूछ के मे फेयर लेकिन का भी पता चला 5 या 6 किलोमीटर ही है, बट थोड़ा सा नियर बाई मैंने आसपास के होटल वालों से पूछा, रेस्टोरेंट वालों से, तो वो बता दिए कि नियरेस्ट है। तो यहाँ एक है राज लक्ष्मी समथिंग, एक मिनट, ये अलग नाम स्ट्रीट गेस्ट हाउस परमंदर भुवनेश्वर, एकदम बस स्टॉप से उल्टे दिशा में है, अंदर गली में आप देख सकते हैं। अच्छा है, एसी रूम है 1500 में, पर हमने नॉन एसी फिलहाल के लिए प्रीफर किया 1200 में, अभी तो हवा ठीक ठाक ही होगी, दिन में यहाँ खास रहेंगे नहीं और रात का देख लेंगे, तब रात ठंड होना चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ से नेक्स्ट प्लान है हम लोग का मेफेयर लगून करेंगे, उससे भी पहले दुर्गा मंडप आस पास के देखेंगे, फिर ऑटो हायर करेंगे क्योंकि मिलता है यहाँ बिजली सब लाइन से लगे हुए, जितने भी यहाँ पर आसपास के दुर्गा मंडप सब दर्शन करेंगे, लास्ट में मेफेयर लगून करके वापस आएंगे और कल यहाँ से पूरी के लिए हम लोग मोस्ट प्रोबेबली टैक्सी लेंगे। तो इतना ही बस आपको जानकारी देना था और फिर आगे का पूरी का होटल वगैरह सब यहीं से बुक कर लेंगे क्योंकि वहाँ भीड़ रहने की संभावना हो सकती है, ऑनलाइन में अवेलेबिलिटी जो है बाद में शायद ना मिले, इसलिए कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलो अभी ब्रश कर लिया मैंने, अभी फिर नहाना धोना बच्चा है, बाद में ज़रूरी है और चलो आगे का रोड का आप बने रहिए तब तक। चलो वापस से रोड में आ गए अपने होटल से निकल के, यहाँ बरमुड़ा करके एरिया है, यहाँ नीरज वहाँ विराजमान है, उनको देख के फिर आगे अपन बढ़ते, ये बस स्टैंड इस तरफ है मेरे पीछे फ्लाई ओवर के बैक साइड में और सामने भी जाते हैं। 8 बजे करो मंगल आरती हमारा
हमारे यहाँ की उड़ीसा की भुवनेश्वर की थाली है। देखिए थाली में दाल भात पापड़ अचार करेला भाजी आलू बॉइल्ड सब्जी और कुम्बड़े चने की सब्जी है। रोटियाँ यहाँ नहीं मिलता है, स्पेशल ऑर्डर करना पड़ता है। ये हम बस स्टैंड के पास से हमने ऑटो लिए और यहाँ से हम अपना पूरा घूमने का दर्शन के लिए निकले। 1500 रुपये में बात फिक्स हुई है, शाम को 6 बजे तक घूमेंगे। बढ़िया उस डायरेक्शन से हम लोग आए और उसी डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। इधर को रोड उस तरफ था कहीं ओम नमः शिवाय।